Hi humans, welcome back to Humanities. This is your psychology educator Asmi, and today we'll be doing the fourth chapter of class 12 psychology, that is psychological disorders. अब इस चैप्टर में हम बहुत सारे different types के disorders के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. सबसे पहले हम बात करेंगे अब नॉर्मैलिटी की. एंड एनसीईआरटी में अब नॉर्मैलिटी को डिफाइन करने के लिए चार डीज दिए हैं. अब ये फोर डीज क्या है? अब नॉर्मैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो डिवियंट है, बहुत ही एक्सट्रीमली डिफरेंट, अनयूजुअल, बिजार, डिसफंक्शन. सो इसका मतलब होता है कि हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम वो कैरी आउट नहीं कर पाते, इंटरफेयरिंग विद द पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब अनप्लेजेंट है, अपसेटिंग है टू द पर्सन एंड टू अदर्स. लास्ट इज डेंजर टू द पर्सन एंड टू अदर्स. सो अब नॉर्मैलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अब नॉर्मैलिटी इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट आर डिवियंट. डिवियंट मतलब डिफरेंट. डिस्ट्रेसिंग मतलब अनप्लेजेंट, अपसेटिंग. डिसफंक्शनल मतलब वी कांट परफॉर्म आर डेली एक्टिविटीज. डेंजरस मतलब हमें पता है, डेंजरस मतलब वो हार्मफुल है, एंड हार्मफुल टू द पर्सन एंड टू अदर्स. सो दीज आर द फोर डीज ऑफ अबनॉर्मैलिटी जो हमको याद रखने हैं. सो गाइज, यू ऑल नो दैट आई एम टीचिंग साइकोलॉजी ऑन दिस चैनल, बट आई ऑल्सो हैव माई ओन यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज फोरम, वेयर आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. I'll share with you guys my own journey, my tips and tricks, and my own handwritten notes which help me score 100 on 100 in class 12th. So go right now and subscribe to Humanities Forum. Now, to distinguish between normal and abnormal behaviors, पहचानने के लिए कि कौन सा behavior normal है and कौन सा abnormal behavior है, उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेस बनाई गई एंड उनको यूज़ करा गया. एंड उन अप्रोचेस में से दो ऐसे अप्रोचेस हैं जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं. अब एक अप्रोच कहती है कि अब नॉर्मल बिहेवियर इज़ डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स मतलब जो भी हमारी सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं, जो आइडियाज़ फिक्स्ड कर रखे हैं कि एक चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, उससे जो चीज़ हट के होती है, डिवियंट होती है, डिफरेंट होती है, वो होता है अबनॉर्मल. उसको बोलते हैं हम अबनॉर्मल बिहेवियर. अब सेकेंड अप्रोच में क्या बोला गया, उसमें बोला कि अबनॉर्मल बिहेवियर मैल अडाप्टिव होता है. द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द नॉर्मैलिटी ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट वेदर सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट. ठीक है, ये बोला जा रहा है कि हम एक बिहेवियर को नॉर्मल या अबनॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस नहीं बोल सकते, बल्कि क्या वो बिहेवियर एक इंडिविजुअल की वेलबींग को फॉस्टर कर रहा है, क्या एक इंडिविजुअल एंड ग्रुप की वेलबींग को बढ़ा रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है. वेलबींग क्या होता है? वेलबींग इज़ नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल, बट इट इंक्लूड्स ग्रोथ, हमारी फुलफिलमेंट एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल. एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल की हमने बात पहले भी करी हुई है. इसका मतलब होता है टू रियलाइज़ आर पोटेंशियल, ये जानना कि हम में कितना पोटेंशियल है, एंड पूरी कोशिश करना टू रीच आर पोटेंशियल, टू डेवलप आर एबिलिटीज़. नाउ कम्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझने के लिए वी वुड रिक्वायर अ ब्रीफ historical account of how these disorders have been viewed over the ages. पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में psychological disorders को कैसा माना जाता था, उनको क्या बोला जाता था, ये सब पढ़ेंगे हम historical background के अंदर. तो ये पूरा flow chart है, पहले कौन कौन सी approach आई and then बाद में क्या हुआ. So इस पूरे flow chart को हम अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले हमारी अब नॉर्मल बिहेवियर को रिलेट करा जाता था सुपर नेचुरल फोर्सेस से, या फिर आप कह सकते हो भूत प्रेत से, ईविल स्पिरिट से, डेविल से.
एक्सोर्सिज्म हमने हॉरर मूवीज में देखा होगा, हमने इसके बारे में सुना होगा. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ईविल दैट रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर. सो एक्सोर्सिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ईविल को रिमूव करते हैं फ्रॉम एन इंडिविजुअल थ्रू मैजिक एंड प्रेयर. इन मैनी सोसाइटीज़ द शमन और मेडिसिन मैन, ये एक ऐसा पर्सन है जो माना जाता है कि उसके कॉन्टैक्ट हैं सुपर नेचुरल फोर्सेस से, एंड वो एक मीडियम है थ्रू विच हमारी स्पिरिट्स कम्युनिकेट विद ह्यूमन बींग्स. ठीक है, सो ये था सुपर नेचुरल फोर्सेस और मैजिकल फोर्सेस के बारे में. अब सेकेंड अप्रोच आती है हमारी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. सो बायोलॉजिकल अप्रोच में सिंपली ये बोला जाता है कि कुछ इंडिविजुअल थोड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी एंड उनका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा होता प्रॉपरली, एंड अगर हम ये डिफेक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करेक्ट कर दें तो हमारी ब्रेन एंड बॉडी की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी. सो साइकोलॉजिकल अप्रोच में बेसिकली ये बोला जाता है कि हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम गलत तरीके से दुनिया को देखते हैं, गलत नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं. वी थिंक, फील एंड परसीव द वर्ल्ड इन अ रॉन्ग वे. सो इन एडिक्वेसीज बोला गया है इसको. फोर्थ अप्रोच है हमारी ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, एंड इसमें फिलोसोफर फिजिशियंस सच एज हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड प्लेटो, उन्होंने डेवलप करी हमारी ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच. एंड ये लोग मानते थे कि जो हमारा डिस्टर्ब्ड बिहेवियर है वो अराइज होता है आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीज़न. सो हमारा डिस्टर्ब बिहेवियर क्यों होता है? बिकॉज हमारे इमोशंस एंड रीज़न में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू गेलन, द मटेरियल वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स. ठीक है, ये चार एलिमेंट्स थे, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, विच कम्बाइन टू फॉर्म फोर असेंशियल बॉडी फ्लूइड्स दैट आर ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फेग्लिम. ईच ऑफ दीज फ्लूइड्स वॉज सीन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफरेंट टेम्परमेंट. इम्बैलेंस इन ह्यूमर्स वर बिलीव टू कॉज वेरियस डिसऑर्डर्स. सो गेलन ने एम्फसाइज करा द रोल ऑफ फोर ह्यूमर्स इन पर्सनल कैरेक्टर एंड टेम्परमेंट. सो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परमेंट होते हैं, एंड गेलन ने बोला कि जो डिफरेंट टेम्परमेंट होते हैं एंड उन फ्लूइड्स को बोला गया है ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फेग्लिम. ये नाम सारे याद करने वाले हैं, इसमें कुछ समझाने की एज सच नीड नहीं है. सो हमारी अब फिफ्थ अप्रोच आती है मिडल एजेस, एंड मिडल एजेस में डीमनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन गेन रिनाउंड इम्पॉर्टेंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर. डीमनोलॉजी क्या होता है? सो डीमनोलॉजी एक ऐसा बिलीव है, माना जाता है कि जो लोग होते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ईवल होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए ऑफ विच हंटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. ड्यूरिंग द मिडल एजेस द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी प्रिवेल्ड एंड सेंट अगस्तीन रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द फीलिंग्स, म्यूचुअल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट. दिस लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न साइकोडायनामिक थ्योरीज ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर. सो ये पार्ट भी याद करने वाला है. सो बेसिकली समझने वाली बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि मिडल एज में डीमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन की बहुत इम्पोर्टेंस हो गई थी. सब लोग ये मानते थे कि जिन लोगों को भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो ईविल हैं, एंड विच हंटिंग भी इस पीरियड में होती थी. सिक्स्थ है हमारा रेनेसेंस पीरियड, विच इज़ मार्क्ड बाय इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर. सो रेनेसेंस पीरियड में आते आते लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी. जॉन वेयर ने एम्फसाइज करा क्या, कि जो हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस होती है आर कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. उन्होंने ये भी बोला कि विचेस वर मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड दे रिक्वायर मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट.
सेवेंथ आता है हमारा रीज़न एंड एनलाइटमेंट जो था 17th एंड 18th सेंचुरी में, एंड इस पीरियड में हमने यूज़ करे साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड अबनॉर्मल बिहेवियर। एट्थ है रिफॉर्म मूवमेंट, ये रीज़न एंड एनलाइटमेंट नहीं है, एट्थ है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट, एंड इसमें क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द 18th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिफॉर्म मूवमेंट टू इंक्रीज कंपैशन फॉर पीपल हु सफर्ड फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स। सो रिफॉर्म मूवमेंट में लोगों के अंदर कंपैशन बढ़ गया था उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे थे फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यूरोप एंड अमेरिका में रिफॉर्म असाइलम्स बनना स्टार्ट हुए। One aspect of reform movement was the new inclination for deinstitutionalization, which placed emphasis on providing community care for recovered mentally ill individual. Deinstitutionalization is simply providing community care. As a community, हम लोग उन लोगों को care provide करेंगे जो recover हो चुके हैं। Now, in recent year, there have been a convergence of these approaches, which has resulted in an interactional biopsychosocial approach. ये एक बार MCQ में भी आया था कि कौन से तीन पर्सपेक्टिव थे या फिर कितने पर्सपेक्टिव थे, तो याद रखना है कि तीन थे, तीन फैक्टर्स थे, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि रीसेंट ईयर्स में सारी अप्रोचेस का कन्वर्जेंस हो चुका है, ठीक है, जिससे एक इंटरैक्शनल अप्रोच बन चुकी है जिसको हम बायोसाइकोसोशल अप्रोच भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक ऐसी मैनुअल पब्लिश करी है जो डिस्क्राइब करती है एंड क्लासिफाई करती है अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसका जो करंट वर्जन है उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, विच इज़ द 5th एडिशन, एंड वो प्रेजेंट करता है एक डिस्क्रीट क्लिनिकल क्राइटेरिया विच इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर्स। The classification scheme officially used in India and elsewhere is the 10th version of International Classification of Diseases, ICD-10, which is known as the ICD-10 Classification of Behavioral and Mental Disorders. और ये किसने prepare करी है? WHO ने, that is World Health Organization. ये जो सारी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, एक बार ये fill in the blanks में आ गया था, so फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए सबकी। फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर, अबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम सारे फैक्टर्स देख सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है, साइकोडायनामिक मॉडल होता है जिसके अंदर चार मॉडल्स और होते हैं, सोशियो कल्चरल मॉडल, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, इन सब मॉडल के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड इसमें हमारे रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं टू द प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिशन में जो प्रॉब्लम होती है उससे होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक टाइनी स्पेस होती है जिसको बोलते हैं साइनैप्स, जो सेपरेट करता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से, एंड जो हमारा मैसेज होता है इट मस्ट मूव अक्रॉस दैट स्पेस। When an electric impulse reaches a neuron's ending, the nerve ending is stimulated to release a chemical called a neurotransmitter. तो एक chemical release होता है जिसका नाम होता है neurotransmitter. Anxiety disorders have been linked to the low activity of neurotransmitter, जिसको हम बोलते हैं gamma-aminobutyric acid. अब schizophrenia to excess activity of dopamine, depression to the low activity of serotonin. ये सारे chemicals के नाम हैं
जो आपको याद होने चाहिए बिकॉज MCQ में आते हैं, पक्का पक्का आते हैं. एंड ये सारे डिसऑर्डर्स एंड उनसे रिलेटेड केमिकल्स के नाम आपको याद होने चाहिए. एंड ऑल्सो लिंक टू द लो एक्टिविटी या फिर लिंक टू एक्सेस एक्टिविटी. एंग्जाइटी में लो एक्टिविटी होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, स्किज़ोफ्रेनिया में एक्सेस एक्टिविटी होती है डोपामाइन की, डिप्रेशन में भी लो एक्टिविटी होती है सेरोटोनिन की. सो ये आपको याद होना चाहिए. जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स दे आर लिंक्ड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हम आगे जाकर और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से वो सारे डिसऑर्डर्स समझ आएंगे. रिसर्चर्स ने ये भी माना है, उन्होंने आइडेंटिफाई करा है कि कोई भी स्पेसिफिक जीन्स कल्प्रिट्स नहीं होते. मतलब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन से नहीं होता. मैनी जीन्स कंबाइन, बहुत सारी जीन्स मिल जाती है एंड जब वो कंबाइन हो जाती है तब आते हैं हमारे वेरियस बिहेवियर्स, इमोशनल रिएक्शंस, बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल. तो ये था हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल मॉडल, नाउ देयर आर सेवरल साइकोलॉजिकल मॉडल्स विच प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. सो हमने बात करी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, जेनेटिक फैक्टर्स की, अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल्स में, जिसमें होते हैं चार और मॉडल, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल. ये सारे मॉडल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार हमें इसे रिवाइज करना है. सबसे पहला आता है साइकोडायनामिक मॉडल, इसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है. ये मॉडल सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा फेमस है. जो हमारे साइकोडायनामिक के थ्योरिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि बिहेवियर कैसा भी हो, नॉर्मल या अबनॉर्मल, वो डिटरमाइंड होता है बाय साइकोलॉजिकल फोर्सेस विद इन द पर्सन ऑफ विच ही और शी इज नॉट अवेयर. जो फोर्सेस हमने सेकंड चैप्टर में अपनी पढ़ी थी, ठीक है, ये ही पूरा हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं. इंटरनल फोर्सेस आर कंसिडर्ड डायनामिक, ठीक है, डायनामिक मतलब जो चीज़ चेंज होती रहती है. दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड देयर इंटरैक्शन गिव शेप्स टू बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस. अबनॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं वो उनको देखा जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थ्री सेंट्रल फोर्सेस. अब याद करो हमने सेकेंड चैप्टर में कौन सी तीन फोर्सेस पढ़ी थी. हमने पढ़ा था इद, ईगो एंड सुपर ईगो. सो ये था हमारा साइकोडायनामिक मॉडल. सेकेंड आता है हमारा बिहेवियरल मॉडल, एंड ये मॉडल बोलता है कि दोनों नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर आर लर्न्ड, वो सीखे जाते हैं. एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग मैल अडाप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग. हम गलत तरीके से बिहेव करना सीख जाते हैं. मैल अडाप्टिव मतलब इनअप्रोप्रिएट. द मॉडल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बिहेवियर दैट आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड प्रपोजेज दैट वॉट हैज़ बीन लर्न कैन बी अनलर्न. तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है. सो ये मॉडल उसी की बात करता है कि हम कंडीशनिंग के थ्रू बिहेवियर को लर्न करते हैं. एंड ये भी बोलते हैं कि जो हम लर्न कर चुके हैं हम उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं. सो लर्निंग कैन टेक प्लेस बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग. थर्ड आता है हमारा कॉग्निटिव मॉडल, एंड इसमें बोला जाता है कि जो अबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो रिजल्ट करती है फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स. एंड ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि कुछ लोग कुछ एटीट्यूड या अजम्पशन मान के बैठ जाते हैं अपने खुद के बारे में दैट आर इरेशनल एंड इनएक्यूरेट. हम गलत चीज़ें अपने बारे में सोच के रखते हैं, इरेशनल होती हैं एंड इनएक्यूरेट होती हैं. पीपल में ऑल्सो रिपीटेडली थिंक इन इलॉजिकल वेज एंड मेक ओवर जनरलाइजेशन दैट इज मे ड्रॉ ब्रॉड नेगेटिव कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट. एक चीज़ आपकी लाइफ में कुछ गलत हो जाती है तो आप बोल देते हो मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई. बट हम ओवर जनरलाइज कर रहे हैं, एक ख़राब चीज़ हुई तो क्या हमारी लाइफ ख़राब हो गई, ऐसा नहीं होता. फोर्थ है हमारा ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, एंड ये फोकस करता है ऑन
broader aspect of human existence. Humanists believe that human beings are born with a natural tendency. इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है. सेल्फ एक्चुलाइजेशन, फुलफिलमेंट ऑफ योर पोटेंशियल, रीचिंग योर पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना. सो ह्यूमनिस्ट बोलते हैं कि हमारे में एक नेचुरल टेंडेंसी है फ्रेंडली होने की, कोऑपरेटिव होने की, कंस्ट्रक्टिव होने की, एंड वी आर ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुलाइज, दैट इज़ टू फुलफिल दिस पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ, जैसे मैंने बताया. अब एग्जिस्टेंशियल बिलीव दैट फ्रॉम बर्थ वी हैव टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू आर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना है, हमें अपनी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देना चाहिए. एंड जो अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग नहीं दे पाते वो जीते हैं एक एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ. सो साइकोलॉजिकल मॉडल्स के अंदर सारे मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल. सो द नेक्स्ट फैक्टर बिहाइंड अबनॉर्मल बिहेवियर इज सोशो कल्चरल मॉडल. एंड इसमें क्या बोला जाता है कि बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो होते ही हैं, बट कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे वॉर एंड वायलेंस, ग्रुप प्रेजुडिस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, रैपिड सोशल चेंज, वो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस डालते हैं एंड लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सम इंडिविजुअल्स. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमारा अबनॉर्मल बिहेवियर है, सबसे बेस्ट हम उसको समझ पाते हैं इन द लाइट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल. सो एज बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटल फोर्सेस, फैक्टर्स सच एज फैमिली स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्क, सोसाइटल कंडीशंस, सोसाइटल लेबल्स, रोल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली इस मॉडल में हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें कॉज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. लास्ट फैक्टर आता है हमारा डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है एंड समझना है. सो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या बोलता है, साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स डेवलप होती हैं व्हेन अ डायथेसिस विच इज़ बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर इज सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सो इस मॉडल में तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला है कि डायथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबरवेशन मे बी इनहेरिटेड. अब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें क्यों होता है, हमें एक कारण हो सकता है होने का कि भाई वो हेरिडिटरी है, वो हर एक जनरेशन को होता है, एंड उस एंड हमारे अंदर कोई बायोलॉजिकल एबरवेशन है जो हमने इनहेरिट करी है. सो इस कारण से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की चांसेस हैं कि हमें वो डिसऑर्डर हो सकता है क्योंकि हमने वो इनहेरिट करा है. सेकंड है कि डायथेसिस में कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड दिस मीन्स दैट द पर्सन इज एट रिस्क और प्री डिस्पोज टू डेवलप द डिसऑर्डर. अब ये भी हो सकता है कि हम वल्नरेबल हैं, ठीक है, वल्नरेबल मतलब हम एट रिस्क हैं कि हमें वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है. थर्ड कॉम्पोनेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, दैट इज़ फैक्टर्स और स्ट्रेसर्स दैट मे लीड टू साइकोपैथोलॉजी. अब तीसरा कॉम्पोनेंट आता है कोई ऐसी कॉजेज, कोई ऐसे स्ट्रेसर्स जो हमारे आसपास होते हैं एंड वो हमें कॉज करते हैं साइकोपैथोलॉजी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो तीन कॉम्पोनेंट हैं, पहला कि बायोलॉजिकल एबरवेशन है जो हमने इनहेरिट कर ली, सेकेंड है वल्नरेबिलिटी कि हम एट रिस्क हैं, हमें वो डिसऑर्डर हो सकता है, थर्ड है कि हमारे आसपास कोई ऐसा पैथोजेनिक स्ट्रेसर है जो हमें वो डिसऑर्डर कर देता है. सो इफ सच एट रिस्क पर्संस आर एक्सपोज टू दीज स्ट्रेसर्स, देयर प्री डिस्पोजिशन मे एक्चुअली इवॉल्व इनटू अ डिसऑर्डर. जब कोई एट रिस्क पर्सन जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, अगर वो पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स की प्रेजेंस में आ जाता है तो उसको डिसऑर्डर हो सकता है. दिस मॉडल हैज़ बीन अप्लाइड टू सेवरल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया. आगे बढ़ते हैं एंड हम आ जाते हैं मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. अब इसमें हम सारे डिसऑर्डर्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, एंड सबसे पहले है एंग्जाइटी. एंग्जाइटी क्या होती है, हम हर रोज़
हम डेली ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है। क्या हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता है? क्या हमें पता है कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? द टर्म एंग्जाइटी इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डिफ्यूज वेग वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। सो एंग्जाइटी क्या फीलिंग होती है? वो फीलिंग होती है बहुत ही अजीब सी, वेग फीलिंग होती है एंड वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? रैपिड हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ होने लग जाती है, आपको डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, आपको स्वेटिंग होती है, आपको नींद नहीं आती, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रेमर्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी सांस फूलने लग जाती है, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आप बेहोश भी हो सकते हो। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे चार तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं एंड उन चारों डिसऑर्डर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या आता है? दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वेग अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर दैट आर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सिम्टम्स होते हैं वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। हाइपर विजिलेंस विच इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द एनवायरनमेंट फॉर डेंजर, हर वक्त अपने आसपास देखते रहना कि मैं डेंजर में तो नहीं हूँ, मेरे आसपास कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इट इज़ मार्क्ड बाय मोटर टेंशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन इज़ अनएबल टू रिलैक्स, रेस्टलेस होता है एंड हम शेकी और टेंस भी होते हैं। ये है हमारा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर के बारे में भी हमने सुना होगा, लोगों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं। सो आओ देखते हैं वो क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रेकरेंट एंग्जाइटी अटैक। पैनिक डिसऑर्डर में बार बार हमें एंग्जाइटी अटैक आते हैं जिसमें अ पर्सन एक्सपीरियंसेस इंटेंस टेरर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अ पैनिक अटैक डिनोट्स एन अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी लीडिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। तो जब हमारे दिमाग में हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारा एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड जब वो हाई होता है तब आता है हमें पैनिक अटैक। सो सच थॉट्स अकर इन एन अनप्रडिक्टेबल मैनर, अनप्रडिक्टेबल होते हैं ये, हम बता नहीं सकते कब किस इंसान को पैनिक अटैक आ जाए। एंड इसके सिम्टम्स होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाना, चक्कर आना, ट्रेमलिंग, पैल्पिटेशन, चोकिंग फीलिंग, ऐसा लगता है आपका दम घुट रहा है, नौशिया, चेस्ट पेन, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और इवन डाइंग। थर्ड डिसऑर्डर अंडर द एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर फोबियाज। अब फोबियाज के बारे में भी हमने सुना होगा, हमें बहुत डर लगता है कुछ चीज़ों से, हम बोलते हैं कि हमें हाइट का फोबिया है। तो वो क्या होता है? यू माइट हैव हर्ड ऑफ समवन हु वाज अफ्रेड टू ट्रैवल इन अ लिफ्ट और क्लाइम टू द 10th फ्लोर और रिफ्यूज टू एंटर अ रूम इफ ही और शी सॉ अ लिजर्ड। सो दीज काइंड ऑफ फियर आर टर्म एज फोबियाज। अब फोबियाज होता क्या है? इरैशनल फियर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पीपल एंड सिचुएशन। सो फोबिया में हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो चीज़ों से डर हो सकता है, सिचुएशन से डर हो सकता है एंड कुछ लोगों से भी हम डर सकते हैं। एंड फोबिया के भी टाइप्स होते हैं, तीन टाइप के फोबियाज होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड अगोरा फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया होता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, दे आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया, मतलब सबसे कॉमन होता है हमारा स्पेसिफिक फोबिया। एंड दिस ग्रुप इंक्लूड इरैशनल फियर्स सच एज इंटेंस फियर ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ एन एनिमल, जैसे लिजर्ड से फियर है, तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक फोबिया, कोई पर्टिकुलर चीज़ से हमें डर लगता है। सोशल फोबिया, नाम से ही पता चल रहा है, सोशलाइजिंग से डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है, नए लोगों से बात करने में डर लगता है। थर्ड इज अगोराफोबिया एंड इसमें हमें डर लगता है, वी डेवलप अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस, नई जगह पे जाने से डर लगता है।
Many people with agoraphobia are afraid of leaving their home, so their ability to carry out their normal life activity is severely limited. So the last disorder under anxiety disorder is SAD, separation anxiety disorder. आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग ही नहीं हो पाते, उनको बहुत डर लगता है, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, जिद करते हैं कि मुझे तो मम्मी पापा के साथ ही रहना है. शायद उसको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो. इंडिविजुअल विद सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दे आर फियरफुल एंड एंग्शियस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर्स टू एन एक्सटेंट दैट इज़ डेवलपमेंटली नॉट एप्रोप्रिएट. उन्हें अपने अटैचमेंट फिगर्स से अलग होने में डर लगता है. चिल्ड्रन विद सैड मे हैव डिफिकल्टी बींग इन अ रूम बाय देमसेल्फ, गोइंग टू स्कूल अलोन. दे आर फियरफुल ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशन. दे क्लिंग एंड दे शैडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव. ठीक है, सो वो स्कूल नहीं जा पाते, वो एक रूम में अकेले नहीं रह पाते. एंड टू अवॉइड सेपरेशन बच्चे क्या करते हैं, दे स्क्रीम, दे फस, दे सो सीवियर टैंट्रम्स एंड दे इवन मेक सुसाइडल जेस्चर्स. सो ये सारे थे हमारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स. सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. तो हमने सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लिए अंडर एंग्जाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. इसके बारे में भी शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा. इसमें क्या होता है, इसमें भी दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं. पहले तो ऑब्सेसिव बिहेवियर, मतलब एक चीज़ को हम सोचते रहते हैं. इन एबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया. ठीक है, सो ये हो गया ऑब्सेसिव बिहेवियर, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना. सेकंड हो गया कंपल्सिव बिहेवियर, एक चीज़ को बार बार करते रहना. सो ऑब्सेसिव इज़ सोचते रहना बार बार. सेकंड कंपल्सिव इज़ एक चीज़ को बार बार करते रहना. नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन. मैनी कंपल्शंस डील विद काउंटिंग, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग एंड वॉशिंग. आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं, और हम इसको OCD भी बोलते हैं. ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. सो बार बार हाथ धोना, सारी चीज़ें साफ़ करते रहना, सो ये आता है हमारा OCD के अंदर. अदर डिसऑर्डर्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्राइचोटिलोमानिया, हेयर पुलिंग जिसको बोलते हैं, एंड एक्सकोरिएशन जिसमें आता है स्किन पिकिंग, अपनी स्किन को पिक करते रहना, स्किन छीलते रहना, बालों को छेड़ते रहना. सो ये सारे कंपल्सिव बिहेवियर के अंदर आता है. थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें आता है हमारा PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. जैसे आपने सुना होगा बहुत लोग ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमाटाइजिंग इंसिडेंट्स होते हैं जिनको वो भुला नहीं पाते. ऑफन पीपल हैव बीन कॉट इन अ नेचुरल डिज़ास्टर और हैव बीन विक्टिम ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, इन अ सीरियस एक्सीडेंट्स और इन अ वॉर लाइक सिचुएशन. दे एक्सपीरियंस पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. एंड इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, रेकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स आते हैं उनको, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अच्छे से, इम्पेयर्ड हो जाती है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, एंड इमोशनली नम हो जाते हैं, वो कुछ फील नहीं कर पाते. एंड इसके अंदर आते हैं हमारे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. इसके बस आपको नाम याद रखने हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. These are conditions in which there are physical symptoms in the absence of a physical disease. In these disorder, the individual has psychological difficulties and they complain of physical symptoms for there is no biological cause. तो इस disorder में क्या होता है, लोग complain करते हैं कि उन्हें physically pain हो रहा है, but उस pain का कोई biological cause नहीं होता. इस disorder में हमारे तीन disorder और आते हैं. ठीक है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे डिसऑर्डर हैं. NCERT की रीडिंग ज़रूर करना, सिर्फ नोट्स पे फोकस्ड मत रहना, हमेशा NCERT को साथ लेके चलना. सो सबसे पहले हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की बात करते हैं. इसमें
एक इंसान को परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स तो होते हैं विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू अ सीरियस मेडिकल कंडीशन। जैसे मैंने बताया, हम शिकायत करते हैं कि हमारे ये दिक्कतें हो रही हैं, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमारे कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, बट शायद वो कोई मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड नहीं होते। पीपल विद दिस डिसऑर्डर टेंड टू बी ओवरली प्री ऑक्यूपाइड विद देयर सिम्टम्स एंड दे कंटिन्यूली वरी अबाउट देयर हेल्थ एंड मेक फ्रीक्वेंट विजिट टू डॉक्टर। सो इसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बार बार ही डॉक्टर के पास भी जाते हैं। सो दे आर ओवरली प्री ऑक्यूपाइड विद देयर सिम्टम्स। एज अ रिजल्ट दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेस इन देयर डेली लाइफ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं वो, एंड वो अपने डेली एक्टिविटीज़ कैरी आउट नहीं कर पाते। सेकेंड इज इलनेस एंगजाइटी डिसऑर्डर, एंड ये भी हमारा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की तरह ही है। इसमें भी परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन होती है अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस एंड कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट दिस पॉसिबिलिटी। सो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी है, एंड इसलिए हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सिम्टम्स के बारे में टेंस्ड रहते हैं। एंड इलनेस एंगजाइटी डिसऑर्डर में हमें लगता है कि हम कोई इलनेस डेवलप कर लेंगे, हम कोई बीमारी अपने आप को कर लेंगे। सो दिस इज़ अकम्पनीड बाय एंगजाइटी अबाउट वन हेल्थ। इंडिविजुअल विद इलनेस एंगजाइटी डिसऑर्डर दे आर ओवरली कंसर्नड अबाउट देयर अनडायग्नोस्ड डिजीज, नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अश्योरेंस बाई डॉक्टर, एंड दे आर ईजिली अलार्म्ड बाई इलनेस सच एज ऑन हेयरिंग समवन एल्स एल हेल्थ। सो जिन लोगों को इलनेस एंगजाइटी डिसऑर्डर होता है, अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहते हैं, उनके नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट को लेके वो परेशान रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी रिजल्ट, उनकी जो रिपोर्ट है एकदम पॉजिटिव है, फिर भी उनको टेंशन लगी रहती है। डॉक्टर भी उनको बोलते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर की नहीं सुनते, एंड दे आर ईजिली अलार्म्ड किसी और की बीमारी के बारे में सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थर्ड डिसऑर्डर आता है हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर, एंड इसमें हमारा लॉस होता है किसी पार्ट का और सम बेसिक बॉडी फंक्शन। सो द सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर आर द रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शन लाइक ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। सो जो ये होते हैं हमारा कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, और बहुत ही सडन हो सकते हैं वो। सो ये था हमारा सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, एंड डिसोसिएशन का मतलब होता है सेवरेंस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज एंड इमोशंस। डिसोसिएशन, इट इन्वॉल्व्स द फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन एंड समटाइम्स अ लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। मतलब डिसोसिएट हो जाना, अपने आप से अलग हो जाना, हम अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम अब हैं क्या। सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में भी तीन टाइप के डिसऑर्डर आते हैं। सबसे पहला है डिसोसिएटिव अमनीजिया, डीपर्सनलाइजेशन या फिर डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। थर्ड आता है हमारा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सो इन सब के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। डिसोसिएटिव अमनीजिया कैटेगराइज्ड बाय एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस दैट हैज़ नो नोन ऑर्गेनिक कॉज। हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट एंड अदर्स कैन नो लॉन्गर रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट्स, पीपल और प्लेस और ऑब्जेक्ट, वाइल देयर मेमोरी फॉर अदर इवेंट्स रिमेन इंटैक्ट। सो डिसोसिएटिव अमनीजिया में कभी कभार तो कुछ लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, एंड कुछ केसेस में लोगों को कोई स्पेसिफिक इवेंट, पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट याद नहीं रहती, बट देयर मेमोरी फॉर अदर इवेंट्स रिमेन इंटैक्ट। सो ये है हमारा डिसोसिएटिव अमनीजिया, एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है। सिलेक्टिव मतलब कुछ कुछ, शायद हमारी कुछ चीज़ें हमें याद रहें एंड शायद कुछ चीज़ें ना याद रहें। सेकेंड है डीपर्सनलाइजेशन।
इसमें हम एक ड्रीम लाइक स्टेट में होते हैं जिसमें वी आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम बोथ सेल्फ एंड रियलिटी. इन डीपर्सनलाइजेशन देयर इज़ अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी इज़ टेम्पररी लॉस्ट और चेंज्ड. सो डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर में हमें ऐसा लगता है कि हम एक सपने में हैं, हमें रियलिटी का सेंस नहीं रहता, हमें सेल्फ का रियलिटी का दोनों का ही समझ नहीं रहती, हमारा सेल्फ परसेप्शन चेंज हो जाता है. थर्ड है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. हमने मूवीज़ में देखा होगा कि एक ही इंसान के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी होती है, ऐसा लगता है कि एक ही इंसान के अंदर तीन चार इंसान और हैं. सो ये जो डिसऑर्डर होता है वो बहुत ड्रामेटिक होता है एंड इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड. सो ये डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर हमें हमारे चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ हो तो. इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन अज्यूम्स ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर. सो जैसे मैंने बताया, एक ही इंडिविजुअल के अंदर एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ होती हैं. डिसोसिएटिव अमनेजिया का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग एंड इसके कुछ फीचर्स होते हैं. एसेंशियल फीचर ऑफ दिस कुड बी एन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस, अजम्पशन ऑफ अ न्यू आइडेंटिटी एंड द इनएबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस आइडेंटिटी. ये फीचर्स होते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग के. एंड जो हमारा फ्यूग है वो ख़त्म हो जाता है व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप with no memory of the events that occurred during the fugue. And this disorder is often associated with an overwhelming stress. So ये एक part है dissociative amnesia का जो हमने यहाँ पढ़ा था. Next type of disorder is depressive disorder. And इसमें हम पढ़ेंगे depression के बारे में, जो बहुत ही commonly used word है. हम easily बोल देते हैं कि हम depressed हैं, मैं तो depression में हूँ. तो चलो हम इसके सिम्टम्स देखते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस डिसऑर्डर. डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रेविलेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड, सबसे ज़्यादा फेमस है एंड रिकॉग्नाइज्ड है. डिप्रेशन कवर्स अ वैरायटी ऑफ नेगेटिव मूड्स एंड बिहेवियरल चेंजेस एंड इट कैन रेफर टू अ सिम्टम और अ डिसऑर्डर. सो डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार यूज़ करते हैं डिप्रेशन टर्म को एंड इसका मतलब होता है नॉर्मल फीलिंग्स आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लॉस सच एज अ ब्रेकअप और अ फेलियर टू अटेन अ सिग्निफिकेंट गोल. तो अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है या फिर हम अपना कोई गोल अचीव नहीं कर पाते तो हम बोल देते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं. एंड क्या सिम्टम्स होते हैं? पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में हमें कोई प्लेजर नहीं मिलता, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कुछ करने में. चेंज इन बॉडी वेट, या तो हमारा बॉडी वेट एकदम बढ़ जाएगा या फिर एकदम कम हो जाएगा. कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, हमें या तो नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी या फिर हमें बहुत ज़्यादा नींद आएगी. टायर्डनेस, inability to think clearly, agitation, greatly slowed behavior and thoughts of death and suicide. Other symptoms include excessive guilt or feeling of worthlessness. हमारा behavior slow हो जाता है, हम ठीक से सोच नहीं पाते and कभी कभार हमें लगता है कि death is the last option. हमें suicidal thoughts आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है एंड हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के वर्दी ही नहीं हैं, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस. एंड अगर ये आपके साथ भी होता है देन यू नीड टू सीक हेल्प, किसी बड़े से बात करो, किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो. फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, अब डिप्रेशन हमें क्यों हो सकता है एंड उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं. जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन एंड अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. हेरिडिटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डिप्रेशन में. अगर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जो हमारे सारी जनरेशन को होता हुआ आया है तो हमें भी हो सकता है. एज इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर. फॉर इंस्टेंस,
women are particularly at risk during young adulthood, while for men, the risk is highest in the early middle age. And gender also plays a great role. Gender kaise? Ki women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. और भी बहुत रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस करना कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट या फिर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट के बारे में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है. सोशल सपोर्ट मतलब हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं एंड हमारी केयर करते हैं. अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, जो है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं. सबसे पहला बाइपोलर वन डिसऑर्डर, जिसको हम मेनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं. नाम याद रखना, एमसीक्यू में आ जाता है. इट इन्वॉल्व्स मेनिया एंड डिप्रेशन विच आर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट एंड समटाइम्स इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड. सो बाइपोलर वन डिसऑर्डर में मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों होते हैं ऑल्टरनेटिवली, एक एक करके, एंड बीच बीच में नॉर्मल मूड भी आ जाता है. मेनियक एपिसोड्स रेयरली अपीयर बाय देमसेल्फ एंड दे यूजुअली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन. ठीक है, सेकंड है अदर डिसऑर्डर्स. सो बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर दो डिसऑर्डर्स और आते हैं, बाइपोलर टू डिसऑर्डर एंड साइक्लोथायमिक डिसऑर्डर. अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं सुसाइड के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं सुसाइड, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, एंड हम कैसे उनकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. सो रिस्क फैक्टर्स देखें तो वो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स होना, गोइंग थ्रू नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सपीरियंसिंग वायलेंस, अब्यूज और लॉस, आइसोलेशन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, and previous suicidal attempt is the strongest risk factor. And often suicidal behavior indicates difficulty in problem solving, stress management, emotional expression. So hum problem solve nahi kar pate, apne stress ko manage nahi kar pate and apne emotions ko express bhi nahi kar pate. World Health Organization ne kuch measures suggest kare hain which we can use to prevent suicide. सबसे पहले लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल एट रिस्क, ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड, केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्टेड सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर. सो ये सारे मेजर्स आप पढ़ लेना एक बार, बहुत ईजी हैं, आप आसानी से लिख पाओगे. अब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस. सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, दे लैक इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज़, उनका मन नहीं लग पाता चीज़ों में, डिक्लाइनिंग ग्रेड्स, डिक्रीजिंग एफर्ट, मिस बिहेवियर इन द क्लास रूम, स्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और ड्रग मिसयूज़. अब स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम, स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम को हम कैसे स्ट्रेंथन कर पाएँ, क्योंकि हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फेस ऑफ डिस्ट्रेस एंड इट हेल्प्स इन कोपिंग एडिक्वेटली. सो सबसे पहले असेंशुएंटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस टू डेवलप पॉजिटिव आइडेंटिटी, दिस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन सेल्फ. हमें ऐसे पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस बताने हैं लोगों को, अपने इनकल्केट करने हैं, ताकि हम पॉजिटिव आइडेंटिटी डेवलप कर पाएँ. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स. सो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिससे फिज़िकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल्स डेवलप हो पाएँ. एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, बिल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. Goals for the student should be specific, measurable, achievable, relevant, to be completed within a relevant time frame. So ये सब था suicide के बारे में. Let's move on to our next disorder. So the next disorder is schizophrenia. बहुत important है, board exam में इससे related question हमेशा आता है. So ये होता क्या है,
Schizophrenia is a descriptive term for a group of psychotic disorder in which personal, social, occupational functioning deteriorates. So, एक descriptive term है for a group of psychotic disorder. So, हमारे schizophrenia के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के disorders आते हैं and इन सारे psychotic disorders से हमारी personal, social and occupational functioning जो होती है कम होती रहती है. Symptoms of schizophrenia. So, symptoms होते हैं हमारे तीन, positive, negative and psychomotor. पॉजिटिव में आता है एक्सेसेस ऑफ थॉट इमोशंस बिहेवियर, नेगेटिव में आता है डेफिसिट्स ऑफ थॉट इमोशंस बिहेवियर एंड साइकोमोटर में हमारी मोटर अबनॉर्मैलिटीज आती हैं. सो एक एक करके हम तीनों सिम्टम्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे. बात करते हैं हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में. पॉजिटिव सिम्टम्स आर द पैथोलॉजिकल एक्सेसेस और बिजार एडिशंस टू अ पर्सनस बिहेवियर. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिल्यूजन्स के बारे में. डिल्यूजन्स क्या होते हैं? डिल्यूजन होता है एक फॉल्स बिलीव दैट इज़ फर्मली हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड. डिल्यूजन्स मतलब हम एक फॉल्स बिलीफ को सच मान के बैठ जाते हैं. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट और इट हैज़ नो बेसिस इन रियलिटी. रियलिटी से कोई लेना देना होता नहीं है. हम एक फॉल्स चीज़ को, जो चीज़ सच नहीं होती, उसको सच मान के बैठ जाते हैं. सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिल्यूजन्स होते हैं. सबसे पहला है डिल्यूजन्स ऑफ पर्सिक्यूशन. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया एंड पीपल विद दीज डिल्यूजन्स बिलीव दे आर बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट, स्पाइड ऑन, स्टैंडर्ड, थ्रेटन्ड, अटैच्ड और डेलिबरेटली विक्टिमाइज्ड. सो सबसे पहला डिल्यूजन है हमारा डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन, जिसमें लोगों को लगता है कि सब लोग उनके अगेंस्ट प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहे हैं. ठीक है, उनके सब अगेंस्ट हैं. दे आर बीइंग स्पाइड ऑन, दे आर बीइंग थ्रेटन्ड एंड दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड. सेकेंड टाइप ऑफ डिल्यूजन इज़ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें पीपल अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर्स और ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट. सो लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कुछ लोगों से, कुछ ऑब्जेक्ट से या फिर कुछ इवेंट से. थर्ड है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, जिसमें पीपल बिलीव देमसेल्व्स टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन. लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, उनमें कोई सुपरनैचुरल पावर्स हैं. सो ये आता है डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर के अंदर. फोर्थ है डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, जिसमें लोगों को लगता है कि उनकी फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स. कोई और है जो उनके फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है. सेकंड चीज़ आती है हमारे पॉजिटिव सिम्टम के अंदर, जो है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में हमें तीन चीज़ें याद रखनी हैं एंड वो तीन चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो उसमें होता है रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, सो दैट द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग इज मडल्ड एंड इट बिकम्स इलॉजिकल, जिसको बोला जाता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड डीरेलमेंट. सो सबसे पहली चीज़ हमारी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में होती है कि लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट करते रहते हैं एंड जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग होता है बहुत मडल्ड हो जाता है, इलॉजिकल होता है, कुछ बात समझ नहीं आती. सेकेंड चीज़ होती है इन्वेंटिंग न्यू फ्रेजेस, जिसको बोलते हैं न्यूलॉजिज्म्स. हम न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस अपने खुद के इन्वेंट करते रहते हैं. थर्ड चीज़ है परसिस्टेंट एंड इनअप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ द सेम थॉट्स. एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना, उसको बोलते हैं प्रेजर्वेशन. सो ये तीन चीज़ें आती हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर. सो गाइज, ये टेबल देखो. ये टेबल इतनी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव सिम्टम्स सारे के सारे इन वन गो सारे दिख जाएंगे, प्लस उनके टाइप्स भी दिख जाएंगे. सो अगर आपको पॉजिटिव सिम्टम्स रिवाइज करने हैं तो आप देखो कि डिल्यूजन्स है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है, हैल्यूसिनेशन है, उनकी डेफिनेशन एंड उनके टाइप्स की डेफिनेशन भी है. सो दिस टेबल इज़ वेरी बेनिफिशियल. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका प्रिंट आउट ले लेना एंड हर रोज़ इसको पढ़ना, ताकि आपको सारे डिसऑर्डर्स एंड उनके सारे टाइप्स याद हो जाएं. सो डिल्यूजन्स हम पढ़ चुके हैं, हम उनके सारे टाइप्स भी पढ़ चुके हैं. हम फॉर्मल थॉट हमने पढ़ा, जिसमें हम उसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं.
अब बात आती है हैलुसिनेशंस की. हैलुसिनेशंस आर परसेप्शंस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एंड इसके भी टाइप्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड ओल्फैक्टरी, गस्टटरी, टैक्टाइल, सोमैटिक. सो सबसे पहले बात करें हम ऑडिटरी हैलुसिनेशन की. सो ये सबसे कॉमन होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर. सो ऑडिटरी हैलुसिनेशन में पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं एंड कभी कभार वो आवाज़ें उनसे खुद बात करती है, जिसको बोला जाता है सेकंड पर्सन हैलुसिनेशन. एंड कभी कभार दो आवाज़ें होती हैं जो एक दूसरे से बात करती हैं. सो पेशेंट को वो आवाज़ें सुनाई देती हैं एंड इसको बोला जाता है थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन. फिर बात करते हैं टैक्टाइल हैलुसिनेशन की. इसमें हमें टिंगलिंग होती है एंड बर्निंग सेंसेशन होती है. सोमैटिक हैलुसिनेशन में वी फील एज इफ समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, सच एज अ स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड वन स्टमक. विजुअल हैलुसिनेशन की बात करें तो इसमें वेग परसेप्शन ऑफ कलर और डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स होता है. पेशेंट को लगता है कि उन्हें कुछ डिस्टिंक्ट विजन्स दिख रहे हैं, उन्हें दूर से कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है या दूर से उन्हें कोई पर्सन दिख रहा है. हम बात करें अब गस्टटरी हैलुसिनेशन की. सो इसमें फूड और ड्रिंक टेस्ट स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है. हमारे ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशन में स्मेल ऑफ पॉइजन और स्मोक हमें फील होता है. सो ये सब तो है हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. अब बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की. सो नेगेटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स एंड दे इंक्लूड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ब्लंटेड एंड फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉयलेशन एंड सोशल विड्रॉल. सो सबसे पहला है हमारा अलोगिया, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जिसका मतलब है रिडक्शन इन द स्पीच कंटेंट, मतलब पेशेंट बोलना कम कर देता है. सेकंड इज़ ब्लंटेड इफेक्ट, मतलब शोइंग लेस फीलिंग्स देन मोस्ट पीपल डू. थर्ड इज़ फ्लैट इफेक्ट, जिसमें दे शो नो इमोशंस एट ऑल. फोर्थ इज़ एवोलिएशन, विच आल्सो मींस लॉस ऑफ वॉयलेशन एंड इनएबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन. जो कोर्स हम शुरू कर चुके हैं, जो एक्शन हम शुरू कर चुके हैं, हम वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते. सोशल विड्रॉल, मतलब हम सोशली विड्रॉ कर लेते हैं, हम फोकस्ड हो जाते हैं अपनी खुद की आइडियाज़ एंड अपनी खुद की फैंटसीज़ पे, कि हम आसपास पे, हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते, एकदम विड्रॉ हो जाते हैं. सो इसकी भी एक टेबल है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो. देन कम्स आर साइकोमोटर सिम्टम्स. सो ये क्या होते हैं? सो पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया ऑल्सो शो साइकोमोटर सिम्टम्स. दे मूव लेस साइमल्टेनियसली और दे मेक ऑड ग्रिमेसेस एंड जेस्चर्स. सो साइकोमोटर सिम्टम्स क्या होते हैं? लोग बहुत ही लेस मूव करते हैं, बहुत कम मूव करते हैं एंड बहुत ही ऑड, बहुत वियर्ड से जेस्चर्स मेक करते हैं. सो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड कैटाटोनिक पोस्चरिंग. कैटाटोनिक स्टूपर होता है दैट पेशेंट रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. कैटाटोनिक रिजिडिटी में मेंटेनिंग अ रिजिड एंड अपराइट पोजिशन फॉर आवर्स. कैटाटोनिक पोस्चरिंग में पेशेंट अज्यूम ऑकवर्ड बिजार पोजिशंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स. सो ये सब थे हमारे साइकोमोटर सिम्टम्स. सो स्किज़ोफ्रेनिया में हम तीनों सिम्टम्स पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट डिसऑर्डर. सो नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. एंड इसमें भी चार टाइप्स के डिसऑर्डर हैं, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? These are the disorders which manifest in the early stage of development. बहुत जल्दी हो जाते हैं ये, बहुत ही छोटी उम्र में ये disorders हो जाते हैं. Early stages of schooling में हमें symptoms दिखने लग जाते हैं. हमारी personal, social, academic, occupational सारी functioning पे ये affect करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder. इसमें हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. सबसे पहला है इनअटेंटिव.
Inattentive refers to the ability to sustain mental effort in work or play. हम बोलते हैं ना बहुत ही इनअटेंटिव है वो, उसकी अटेंशन एक जगह पे रहती नहीं है. चिल्ड्रन विद ADHD दे क्विकली लूज इंटरेस्ट, बहुत जल्दी उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं वो, उनका मन किसी चीज़ पे लग नहीं पाता. दे ईजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे डू नॉट लिसन, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड दे आर वेरी डिसऑर्गेनाइज एंड दे ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. सो ये हो गया हमारा इनअटेंटिव. नेक्स्ट है इम्पल्सिव. सो चिल्ड्रन विद ADHD वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं. इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेते हैं, कुछ बोल देते हैं. सो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शन और टू थिंक बिफोर दे एक्ट. जैसे मैंने बोला बिना सोचे समझे कुछ करना. दे कांट वेट, दे कांट टेक टर्न्स एंड दे हैव डिफिकल्टी इन रेजिस्टिंग इमीडिएट टेम्पटेशन एंड डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन. मतलब जो उनको चाहिए वो उसी वक्त चाहिए, वो थोड़ी देर का भी वेट नहीं कर सकते, वो अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते. माइनर मिसहैप्स सच एज नॉकिंग थिंग्स ओवर आर कॉमन, वेयर एज मोर सीरियस एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज कैन ऑल्सो अकर. सो बहुत ज़्यादा उनको चोट लग सकती है, इंजरीज हो सकती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हाइपर होना. एक जगह पे वो रह नहीं सकते, एक जगह वो बैठ नहीं सकते. दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, सिटिंग स्टिल थ्रू अ सेशन इज इम्पॉसिबल फॉर देम. दे मे फिजिट, स्क्वर्म, क्लाइम एंड दे रन अराउंड द रूम एमलेसली. सो दिस वॉज ADHD. नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. इसमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो इम्पेयर्ड होती हैं. ऑटिज्म चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स. वो रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते एंड स्टार्ट भी नहीं कर पाते. मैनी ऑफ देम नेवर डेवलप स्पीच, वो कभी अपनी स्पीच डेवलप नहीं कर पाते. सेकेंड इज़ दैट इट इज़ मार्क्ड डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन. सो ऑटिज़म में लोगों को सोशली इंटरेक्ट करने में, नए लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. दे कैन नॉट इनिशिएट सोशल बिहेवियर एंड दे सीम अनरिस्पॉन्सिव टू अदर्स फीलिंग. 70% ऑटिस्टिक चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिफिशेंसी. दे हैव अ स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट एज रॉकिंग हैंड, फ्लैपिंग, जंपिंग, क्लैपिंग. सो एक स्टीरियोटाइप मूवमेंट होता है, वो इन्हीं बॉडी मूवमेंट को बार बार रिपीट करते रहते हैं. सेल्फ इंजरीज होती हैं, वो अपने आप को चोट पहुँचाते हैं, वो अपना सिर खुद दीवार में मार लेते हैं इन अ रिदमिक वे. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हमने अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है. इसमें रेफर्स टू बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विच इज़ लेस देन 70. जैसे हमने बात करा है, अगर हमारी IQ 70 से कम है तो हमें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोला जाता है. डिफिसिट्स और इम्पेयरमेंट इन अडेप्टिव बिहेवियर सच एज एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल्फ केयर, होम लिविंग, सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सारे एरियाज में प्रॉब्लम्स आती हैं. दिस डेफिसिट गेट्स मैनिफेस्टेड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स. ये भी हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज ये सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी मैनिफेस्टेड एट 4 लेवल्स. ये सारे लेवल्स के बारे में हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ चैप्टर 1. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देयर. सो हमारा लास्ट डिसऑर्डर इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. इसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन परसीविंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. एक इन्फॉर्मेशन को समझने में एंड उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. एंड हम बेसिक जो हमारी स्किल्स होती हैं जैसे रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, वो भी नहीं परफॉर्म कर पाते. अर्ली स्कूल ईयर्स में ये डिसऑर्डर डेवलप होने लग जाता है. जो परफॉर्मेंस रहती है बच्चों की एकेडमिकली वो बिलो एवरेज होती है,
बट अगर हम ज़्यादा मेहनत करें एंड हम एडिशनल इनपुट्स एंड एफर्ट्स डालें तो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है. सो दिस वॉज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज़ डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स. सो इसमें भी दो टाइप के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. सबसे पहले है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर. ठीक है, सो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे. ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में पीपल एग्जिबिट एज इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबननेस. सो इस डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं. ठीक है, दे आर वेरी इरिटेटेबल, डिफाइंट, डिसओबीडियंट, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल मैनर में वो बिहेव करते हैं. ठीक है, ज़िद्दी होना, किसी की बात ना सुनना, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहना, एंड वो अपने आप को गुस्से में नहीं देखते, वो अपने आप को डिफाइंट मानते ही नहीं हैं. वो अपना एक्शन, अपने बिहेवियर जस्टिफाई करते हैं एज अ रिएक्शन टू सर्कमस्टांसेस. सो सिम्टम ऑफ दिस डिसऑर्डर बिकम इंटैंगल्ड विद द प्रॉब्लमैटिक इंटरैक्शंस विद अदर्स. बात करते हैं अब कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर की. इसमें एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ होती हैं अगेंस्ट फैमिली, सोसाइटी. जैसे हम वॉयलेट करते हैं फैमिली एक्सपेक्टेशंस को, हम वॉयलेट करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स को जो सोसाइटीज़ ने रूल्स बना रखे हैं. पर्सनल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर्स. ठीक है, सो प्रॉपर्टी राइट्स, हम पर्सनल राइट्स भी दूसरों के वॉयलेट करते हैं अंडर कंडक्ट डिसऑर्डर. सो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर दो टाइप के बिहेवियर्स आ सकते हैं, अग्रेसिव या नॉन अग्रेसिव. अग्रेसिव के अंदर आते हैं एक्शंस दैट कॉज और थ्रेटन हार्म टू पीपल और एनिमल्स. ठीक है, अग्रेसिव मतलब कोई ऐसे एक्शंस जो चोट पहुंचा रहे हैं, जो हार्म कर रहे हैं लोगों को या फिर एनिमल्स को. नॉन अग्रेसिव में एक्शंस वो होते हैं जो प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, या फिर कोई थेफ्ट, चोरी करना, या फिर सीरियस रूल वॉयलेशंस, कोई रूल को ब्रेक कर देना. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ बिहेवियर अंडर कंडक्ट डिसऑर्डर. अब अग्रेसिव बिहेवियर के टाइप होते हैं वर्बल अग्रेशन, मतलब नेम कॉलिंग, स्वेरिंग, फिजिकल अग्रेशन, फाइटिंग, हिटिंग, हॉस्टाइल अग्रेशन डायरेक्टेड एट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी टू अदर, मतलब किसी को चोट पहुंचाने के लिए, एंड प्रोएक्टिव अग्रेशन डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन, बस किसी को बुली करना, किसी के ऊपर अपने आप को सुपीरियर दिखाना, डोमिनेट करना लोगों को. सो दीज आर द टाइप ऑफ अग्रेशन. ये सारे टाइप्स आपको याद होने चाहिए, ये MCQ में भी आ जाते हैं एंड इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, जो आई गेस 11th डिसऑर्डर है हमारा. एंड इसमें भी तीन टाइप के डिसऑर्डर्स आते हैं. सबसे पहला है अनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम. अनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, इंडिविजुअल हैज़ एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज विच लीड्स हिम और हर टू सी हर सेल्फ और हिमसेल्फ एज ओवर वेट. सो हमें क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, हमारी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है, बहुत ही अजीब सी, बहुत ही ख़राब सी हमारी बॉडी इमेज है. सो इस वजह से हम खाना खाने से मना कर देते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं एंड हम अडॉप्ट करते हैं ऐसी अनयूजुअल हैबिट्स. ठीक है, ताकि हमारा वेट लूज़ हो सके. सो दे लूज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेट एंड दे कैन इवन स्टार्व देमसेल्व्स टू दैट. सेकेंड इज़ बुलीमिया नर्वोसा, एंड इन दिस इंडिविजुअल मे ईट एक्सेसिवली एंड देन पर्ज देयर बॉडी ऑफ बाई यूजिंग मेडिसिन सच एज लैक्सराइड्स और डायरेटिक और बाई वॉमिटिंग. सो इसमें हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं एंड देन हम वॉमिट कर देते हैं. सो पीपल फील अशेम्ड एंड अनप्लेजेंट और डिस्कस्टेड वेन दे बिंज. बिंज मतलब लगातार. सो लगातार खाते रहना, जब हम लगातार खाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील होता है एंड दे आर रिलीव्ड ऑफ द नेगेटिव इमोशंस एंड टेंशन आफ्टर पर्जिंग. थर्ड इज़ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर.
जैसे मैंने बताया, बिंज ईटिंग मतलब लगातार खाते रहना. दिस इन्वॉल्व्स फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, बिना कंट्रोल के, बिना सोचे समझे बस खाते रहना. हायर स्पीड देन द नॉर्मल पीपल एंड इट कंटिन्यूज टिल दे आर अनकम्फर्टेबली फुल. बहुत तेज़ी से खाना खाना, बहुत हाई स्पीड में खाना खाते हैं एंड वो खाते रहते हैं जब तक दे आर नॉट अनकम्फर्टेबली फुल. सो दीज वर आर फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, अनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर. नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर. 12th डिसऑर्डर है ये हमारा. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एडिक्टिव बिहेवियर, वेदर इट इन्वॉल्व्स एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम ओबेसिटी और इन्वॉल्विंग द अब्यूज ऑफ सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल, कोकेन इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय सोसाइटी टुडे. ठीक है, सो हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, हम हीरोइन एंड कोकेन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल. पीपल हु अब्यूज अल्कोहल ड्रिंक लार्ज अमाउंट्स रेगुलरली एंड दे रिलाई ऑन इट टू हेल्प देम डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. सो लोग जब उदास होते हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं एंड दे ड्रिंक इट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट. बहुत ज़्यादा वो पीते हैं एंड दे यूज़ अल्कोहल टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. ड्रिंकिंग अल्कोहल इंटरफेयर्स विद देयर एबिलिटी टू फंक्शन वेल इन सोशल, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल और आर वर्क लाइव्स. ठीक है, सो अल्कोहल पीने से हम सोशली, पर्सनली एंड ऑक्यूपेशनली भी हम एक्सेल नहीं कर पाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते, वो इंटरफेयर करता है. ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन पीपल बिल्ड अप अ टॉलरेंस टू अल्कोहल एंड दे ड्रिंक इवन ग्रेटर अमाउंट टू फील इट्स इफेक्ट्स. तो क्या होता है कि जैसे हम अल्कोहल कंज्यूम करते रहते हैं, हमारी अल्कोहल के लिए टॉलरेंस भी बढ़ती रहती है. पहले शायद हम सिर्फ एक ग्लास पी पाते थे, बट नेक्स्ट टाइम हम दो ग्लास पीते हैं, तीन ग्लास पीते हैं, तो हमारी टॉलरेंस बढ़ती रहती है एंड वी ड्रिंक इवन ग्रेटर अमाउंट टू फील इट्स इफेक्ट. एंड पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस विड्रॉल रिस्पॉन्स वेन दे स्टॉप ड्रिंकिंग. जब अल्कोहल कंज्यूम करना हम रोक देते हैं तो हमें विड्रॉल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं. नेक्स्ट है हीरोइन. सो हीरोइन इंटरफेयर्स विद सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग. पीपल डेवलप अ टॉलरेंस फॉर हीरोइन एंड दे एक्सपीरियंस विड्रॉल रिस्पॉन्सेज व्हेन दे स्टॉप टेकिंग इट. एकदम ये अल्कोहल जैसा है. अल्कोहल में भी सेम चीज़ें होती थी. एंड द मोस्ट डायरेक्ट डेंजर ऑफ हीरोइन अब्यूज़ इज़ एन ओवरडोज विच स्लोज डाउन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन, ऑलमोस्ट पैरालाइजिंग ब्रीदिंग एंड इन मैनी केसेस कॉजिंग डेथ. सो हीरोइन से हमें ओवरडोज हो सकता है एंड इट कैन लीड टू डेथ. कोकेन की बात करें, सो रेगुलर यूज़ ऑफ कोकेन मे लीड टू अ पैटर्न ऑफ अब्यूज़ इन विच द पर्सन मे बी इंटॉक्सिकेटेड थ्रू आउट द डे एंड फंक्शन वेरी पुअरली इन सोशल रिलेशनशिप्स एंड एट वर्क. अब कोकेन से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है एंड हमारी अटेंशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है. डिपेंडेंस मे डेवलप सो दैट कोकेन डोमिनेट द पर्सन लाइफ. मोर ऑफ द ड्रग इज़ नीडेड टू गेट द डिज़ायर्ड इफेक्ट्स. सेम चीज़ है अल्कोहल, हीरोइन, कोकेन में हमारी टॉलरेंस बढ़ती रहती है. जितना हम कंज्यूम करेंगे हमारी टॉलरेंस बढ़ती रहेंगी एंड व्हेन वी स्टॉप यूजिंग इट, इट रिजल्ट्स इन द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेटेबिलिटी एंड एंग्जाइटी. सो बहुत सीरियस डेंजर्स होते हैं कोकेन के एंड डेंजरस इफेक्ट होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे एंड फिजिकल वेलबींग पे. सो वी हैव फाइनली कम्प्लीटेड आर 4th चैप्टर. हम सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Don't forget to like, share and subscribe to Humanities. I will see you guys in the next video. Till then, keep learning.